विश्व प्रसिद्ध चिपको आंदोलन ने एक बार फिर राजस्थान में जगह बनाई है। अब की बार दौसा के किसानों ने इसके जरिए अपनी हुंकार भरी है। जिले के धनावड़ गांव में किसानों ने आंदोलन की शुरुआत कर सरकार का ध्यान खींचने की कोशिश की है। दौसा के इस आंदोलन का नेतृत्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और किसान नेता हिम्मत सिंह गुर्जर कर रहे हैं। इस दौरान सांसद मीणा ने कहा कि सरकार यह वादा करे कि जितने पेड़ काटे जाएंगे उसके दोगुने पेड़ एक्सप्रेस वे के दोनों ओर लगाए जाएंगे ताकि पर्यावरण को फिर से हरा भरा किया जा सके। किसान नेताओं की मांग है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के लिए अवाप्त की गई जमीन का बाजार भाव से मुआवजा दिया जाए। साथ ही अब अवाप्त की गई जमीन में आई संपत्तियां जैसे मकान और पेड़ पौधों का भी मुआवजा सरकार की ओर से दिया जाए। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि जब तक पूरा मुआवजा नहीं मिलेगा और पेड़ पौधों का मुआवजा नहीं दिया जाएगा तब तक एक्सप्रेस वे का काम नहीं चलने दिया जाएगा। दिसंबर की कड़ाके की ठंड में किसानों ने भूमि समाधि सत्याग्रह किया था, जिसमें 13 सूत्री मांगों पर सरकार से समझौता हुआ था। किसानों को उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा और किसानों को उचित मुआवजा तो दूर की बात, उसका जो स्ट्रक्चर है, मकान है, पाइपलाइन है, कुआं है, पेड़ है, इसका पैसा नहीं दिया गया। तो हमने आज यह आंदोलन चालू किया है, पेड़ के चिपको, पेड़ के लिपटो और अपना पेड़ बचाओ, अपनी संपत्ति बचाओ। और जब तक इसका पैसा नहीं मिलेगा तब तक हम लिपटे हुए, पेड़ के चिपके हुए हैं। इसके अलावा एक पीपल का पेड़ कटे तो 2 पीपल के पेड़ लगाएं, यह हमारी मांग है। जयपुर के चाकसू से विधायक वेद प्रकाश